देखेंगे बड़ी खबर से, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर इलाके में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है और 8 घंटे की भूख हड़ताल पर है किसान। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए 8 घंटे की भूख हड़ताल पर किसान है। शाम 5 बजे तक किसानों का ये उपवास जारी रहेगा। बता दें कि लगातार 66 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर और 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ठीकरी बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है वो खाली होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर आंदोलन की आग जो है वो तेज हो गई है और तमाम किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं राकेश शिकायत के समर्थन में। कल हमने महापंचायत की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर आपने देखा था कि हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा था राकेश शिकायत के समर्थन में और कहीं ना कहीं ये किसान जो है वो आंदोलन के लिए एक रास्ता जो है वो राकेश शिकायत ने बनाया और अब गाजीपुर बॉर्डर जो है वो किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि 26 जनवरी की हुई हिंसा का भी उनको खेद है, जिसके लिए उन्होंने 8 घंटे की भूख हड़ताल रखी है। 8 घंटे तक वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। शाम 5 बजे तक किसानों की ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। बड़ी बात यह है कि इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है गाजीपुर बॉर्डर इलाके में। इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं आ रही थी कि इस आंदोलन को कई ऐसे संगठनों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है जो हमारे देश का हित नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो और उग्र हो जाए, देश की स्थिति जो है वो लगातार खराब हो, ऐसा उनकी मंशा है। इस वजह से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है ताकि किसानों को बरगलाने का काम जो वाया सोशल मीडिया करा जा रहा था वो ना हो सके। 8 घंटे की भूख हड़ताल पर किसान है। शाम 5 बजे तक किसानों का उपवास जो है वो जारी रहेगा। इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है और राकेश शिकायत के समर्थन में उमड़ा हुजूम, जो कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान उमड़ा था, वो तस्वीरें जो थी वो देखने लायक तस्वीरें थी। ठीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ये बॉर्डर खाली हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश शिकायत के समर्थन में जो किसान थे वो बॉर्डर पहुंच चुके हैं और 26 जनवरी की हिंसा का खेद भी है उन्हें, जिसको लेकर उन्होंने 8 घंटे की भूख हड़ताल की बात भी कही है। 8 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं किसान और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज क्योंकि गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि भी है और किसानों का कहना था कि वो गांधी जी के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन 26 जनवरी की हुई हिंसा का उनको खेद भी है, इस वजह से आज वो उपवास कर रहे हैं। 8 घंटे की भूख हड़ताल किसानों द्वारा की जा रही है और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी किसान आगे चर्चा करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। हालांकि राकेश शिकायत के जो बयान सामने आए उसमें उन्होंने कहा था कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, सरकार जब भी बुलाएगी, जहां भी बुलाएगी वो जाने के लिए तैयार है। बातचीत के जो रास्ते हैं वो खोलने के लिए किसान लगातार कह रहे हैं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए सरकार और किसान संगठनों के बीच। और किसान आंदोलन को लेकर इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस आंदोलन से अपने पाँव पीछे कर लिए थे और उनका ये कहना था कि हम इस आंदोलन में अब साथ नहीं हैं। कई लोगों ने इस आंदोलन का साथ छोड़ दिया और कई लोग वापस लौट गए, लेकिन राकेश शिकायत के समर्थन में जो हुजूम उमड़ा, जो किसानों की भीड़ हमने देखी, वो इस बात का अंदेशा था कि कैसे किसान आंदोलन का समर्थन लोग कर रहे हैं, कैसे लोग राकेश शिकायत का समर्थन करने के लिए उतर पड़े हैं। और लगातार तीनों कृषि कानून बिल की वापसी की जो मांग है वो अब फिर से तेज हो गई है, ये जो आग है वो ज्वाला बनकर सामने आई है और अब कहीं ना कहीं सरकार शायद बातचीत किसानों से कर सकती है। हालांकि सरकार ने 11वें दौर की वार्ता में किसानों को एक बड़ा प्रस्ताव दिया था कि हम इस कृषि कानून बिल को 1.5 साल के लिए स्टे पर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मार्च की बात कही थी और ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को जब निकाला गया तो वहाँ जो हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं पूरे देश को आहत हुई, पूरा देश इस हिंसा से आहत हुआ। स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया, पुलिस और स्थानीय लोगों की भी झड़प हुई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और अमित दुबे जी, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर,
और इसी खबर पर हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से किसान आंदोलन को आज 66वां दिन हो चुका है, 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी वो कहीं ना कहीं से पूरा देश आहत था। कल जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, कैसे महापंचायत हुई जहां पर लाखों की संख्या में किसान राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे थे, लेकिन आज जो किसान उपवास कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको कहीं ना कहीं 26 जनवरी में हुई हिंसा का खेद व्यक्त करने के लिए। कि बिल्कुल देखिए, लगातार किसान जो है आंदोलन के डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि आज सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। तमाम किसानों ने उपवास रखा है, ये उपवास शाम 5 बजे तक चलेगा। और जिस तरह से खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए तो जो रणनीति राकेश टिकैत ने बनाई थी और जिस तरह से तमाम किसान, जो गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो रहा था, किसान पलायन कर चुके थे और उसके बाद जब राकेश टिकैत भावुक हुए तो मानो कि एक जन सैलाब जो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और तमाम न सिर्फ महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई थी वहां से लोग, बल्कि हरियाणा और अन्य जगह से भी गाजीपुर बॉर्डर के लिए लगातार कूच कर रहे हैं। यानी आंदोलन जो किसानों का थम सा रहा था वो एक बार फिर अपने चरम पे है। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो तमाम किसान वहां पे पहुंचे हुए हैं। सिंगू और टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां भी आंदोलन लगातार जारी है। पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि पार्लियामेंट जाने का जो प्रस्ताव है वो किसानों तरफ से रद्द कर दिया गया है। रिसेंटली जो है सद्भावना दिवस मनाया जाएगा और उसी सद्भावना दिवस के तहत तमाम किसानों ने आज उपवास रखा है। आगे की रणनीति क्या होगी वो देखना होगा, लेकिन एक बात साफ है कि किसान जो है मानने वाले नहीं है। लगातार किसान वही कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी घटना हुई उससे उनका आंदोलन कमजोर जरूर हुआ, लेकिन पहले किसान जिस तरह डिफेंड कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं सरकार लेके भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सरकारी तंत्र क्या कर रहा था जो इस तरह की घटनाएं हुई। और अगर कुछ अराजक तत्व प्रवेश कर गए थे, तमाम अन्य लोग प्रवेश कर गए थे, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि जो मेन लीडर थे, खासतौर पर 40 नेताओं के साथ जो बातचीत हुई थी, वो नेता जो है शांतिप्रिय आंदोलन की लगातार बात कर रहे हैं। और जो दिल्ली पुलिस ने तमाम केस रजिस्टर किए हैं उसे लेके भी किसानों को आपत्ति है। लेकिन हालांकि जिस तरह किसान अपने आंदोलन डिफेंड कर रहे हैं, अभी तक उस बात को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि कानूनी जो कार्रवाई है वो इन लोगों पे होनी चाहिए, अब उसमें जिसके भी नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस की तरफ से जो लुकआउट नोटिस जारी किया, लगभग 40 लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया गया जिससे वो देश छोड़ के कहीं विदेश ना चले जाए, और इसे लेके किसानों ने खासतौर पर आपत्ति जताई थी। और किसानों ने कहा था कि ये देश उनका है, वो यहीं के किसान है, वो बड़े व्यापारियों की तरह, बड़े अमीरों की तरह भागने वाले नहीं है। सरकार जो इस तरह सोच रही, जो एजेंसियां लुकआउट नोटिस जारी कर रही है, वो उनकी गलतफहमी है। लेकिन हालांकि पुलिसिया कार्रवाई क्या होगी वो देखना होगा। फिलहाल किसान जो है वो सद्भावना दिवस में उपवास लगातार रखे हुए हैं, शाम 5 बजे तक ये उपवास चलना है। बिल्कुल अवित, क्योंकि आज जो सद्भावना दिवस का दिन मना रहे हैं किसान और आप उपवास पर हैं, अगर हम अब बात कर ले सरकार की, तो सरकार ने काफी सख्त रवैया अपना लिया है, लेकिन राकेश टिकैत के अगर हम बयानों की बात करें तो वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सरकार हमें जहां बुलाएगी जैसे बुलाएगी हम जाने के लिए तैयार है। तो क्या बातचीत का कोई रास्ता अब निकलेगा? क्या सरकार एक बार फिर किसानों से बात करेगी? देखिए, बातचीत को लेकर दो बड़े सवाल है। एक तो जो पिछली बैठक हुई थी, खासतौर 11वीं बैठक जो संपन्न हुई थी, उसमें कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो प्रपोजल किसानों को दिया गया, 1.5 साल को जो है बिल सरकार होल्ड करने तैयार थी, इस बीच कमेटी बनाने के लिए तैयार थी, कमेटी जो सुझाव देगी उसके अनुसार संशोधन किए जाएंगे। तो इस तरह चीजें जो है वो सरकार की तरफ स्पष्ट कर दी गई थी 10वीं बैठक में ही। 11वीं बैठक में उनसे कहा गया था कि आप लोग उस पर डिसीजन करिए और उसके बाद आगे बताइए, लेकिन किसान इसे लेकर डिसीजन नहीं ले सके। किसानों का साफ तौर कहना था कि वो तीनों कृषि बिल वापस ही चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जिस वजह से पूरी वार्ता रुक गई थी। और फिर भी कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया था कि अगर किसान चाहते हैं कि आगे की बातचीत हो तो इस जो प्रस्ताव सरकार दिया इस पर वो एक बार फिर पुनर्विचार करे जी। और उसके बाद किसान अगर इसमें पुनर्विचार करते हैं, इसे लेके कुछ बात बनती है, तो वो सरकार को सूचित करे, सरकार बैठक के लिए तैयार है। मीडिया के जरिए तमाम बातचीत जरूर हो रही है, चाहे वो सरकार के वर्जन की बात करे या किसानों के वर्जन की बात करे, लेकिन डायरेक्टली किसानों की तरफ से अभी तक कोई नोटिस इस तरह का सरकार के पास नहीं गया है कि किसान वार्ता के लिए तैयार है और किस तरह की वार्ता होगी। और दूसरा सबसे बड़ा पेज जो फंस रहा है कि तमाम किसान नेताओं के खिलाफ केस रजिस्टर हो चुके हैं,
ऐसे में इन किसान नेताओं को भी आपत्ति है, तो क्या जो तमाम धाराओं में जिनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए इन लोगों के साथ सरकार वार्ता करेगी या नए संगठन वार्ता के लिए आएंगे? कई बड़े सवाल है। फिलहाल किसानों की तरफ से अगर पहल होती है तो अभी सरकार की तरफ इस तरह कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर सरकार को नोटिस भेजा जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। यहाँ तक कि किसान भी जानते हैं कि देर की जगह सरकार जो दो साल भी कानून होल्ड कर ली, बल्कि और किसान अगर ज्यादा दबाव डालेंगे तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि तमाम विशेषज्ञ इस बात को बता रहे हैं कि किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि किसान कानून जब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक कि संशोधन की बात जो है किसान और सरकार के बीच में बन नहीं जाती। इसमें मसला एक साल डेढ़ साल या दो साल होल्ड करने का नहीं है, और इस बीच अब किसानों को सोचना होगा। और किसान कोई नोटिफिकेशन देते हैं सरकार को, कृषि मंत्रालय को, तो जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रिया आएगी, कृषि मंत्रालय आगे की वार्ता के लिए कड़ी आगे बढ़ाएगा। फिलहाल इस तरह की उम्मीदें जरूर की जा रही, तमाम लोग भी चाहते हैं कि मसले का जल्दी से जल्द हल निकले, क्योंकि जो 26 जनवरी हुआ वो भी पूरे देश ने देखा, और ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ लोग नहीं है, तो जाहिर तौर पर किसानों के साथ भी एक तंत्र जो है वो पूरा पूरी तरह से खड़ा हुआ है। किसान भी इस बात को जानते हैं, और इसी यही वजह है कि सद्भावना दिवस के जरिए डैमेज कंट्रोल की लगातार कोशिश चल रही है। बिल्कुल अमित, जहां पर जिस तरीके से आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल की चीजें जो हैं वो अब किसानों द्वारा की जा रही हैं, इंटरनेट सेवा गाजीपुर बॉर्डर में बंद कर दी गई है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इससे पहले जब किसान मीटिंग करते थे तो वो उन्होंने आपने जैसे बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, उसके जरिए वो बातचीत करते थे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाती थी। अब किसान कब रणनीति करेंगे? उपवास उनका 5 बजे खत्म हो जाएगा, क्या आगे की उनकी रणनीति होगी? क्या आंदोलन उनका कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर वो इसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहेंगे और आगे इंतजार करेंगे कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है? देखिए, दिल्ली के आसपास जो प्रदर्शन बात करें तो मोस्टली 3 बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। ये तीनों बॉर्डर पे जो नेता बैठे हुए हैं, किसान नेता बैठे हुए हैं, इन सबकी बैठक सिंघू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बैठक होती है, जहां रणनीति तय की जाती है। और बाकायदा राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत भी सिंघू बॉर्डर की तरफ मूव करके वहां जाके बैठक होती है। जहां तक इंटरनेट की बात है, तमाम सोशल मीडिया के जरिए जो किसानों की मुहिम थी उसे जरूर एक बड़ा झटका यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किसान भी लगातार चीजों की पहल कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक धक्का लगा है। लेकिन जहां तक बैठक की बात है, फोन एक्टिव है, तो फोनों के जरिए जो है तमाम किसान नेताओं की आपस में बात हो रही है, लगातार आंदोलन को किस तरह बनाए रखना उसे लेके भी चर्चा हो रही है। और जब बैठक होगी तो तमाम किसान संगठन के जो नेता है वो सिंघू बॉर्डर पे पहुंचेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। इंटरनेट बंद करने की जहां तक बात है, तो जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर में तमाम लोग जो है, तमाम लोगों की मूवमेंट हुई है, उसके बाद तमाम जगह का इंटरनेट बंद किया गया। खासतौर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 17 शहरों का इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया। इनमें करनाल की बात करें, अम्बाला की बात करें, अन्य जगह की बात करें, भिवानी की बात करें, तमाम जगह ऐसी है जहां का इंटरनेट बंद कर दिया है। कुछ जगह जो है पहले से ही इंटरनेट बंद किया जा चुका है। अब ऐसे में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद है और 5 बजे तक उपवास भी यहाँ पे चल रहा है, तो अब देखना होगा कि 5 बजे बाद क्या इंटरनेट की सेवा फिर एक बार चालू होती है, खासतौर पर हरियाणा की अगर हम बात करें। दूसरी बड़ी चीज कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी तो उस बैठक में बाकायदा तमाम नेताओं को कॉल किया जाएगा, जिसके बाद बैठक होगी और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सबसे बड़ी चीज कि 1 मार्च को जो कि बजट सत्र है, बजट का दिन है, केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी और ऐसे में जो किसानों ने संसद भवन तक कैंडल मार्च की बात कही थी उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। दूसरी चीज किसान भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और यही वजह थी कि 26 जनवरी की घटना के बाद इस तरह के प्रस्ताव को न सिर्फ वापस लिया गया, बल्कि इजरायली दूतावास के बाहर जो धमाका हुआ है, खासतौर पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो ऐसे किसान भी जानते हैं कि उन्हें इस तरह की परमिशन नहीं मिल सकती और फिलहाल उन्हें सद्भावना दिवस या उपवास जैसे कामों के जरिए ही अपने मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। आंदोलन सुस्त ना पड़े इसलिए किसान लगातार अपनी नई नई रणनीति बना रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी देखना होगा। बिल्कुल अमित, एक चीज आपने जैसे बताई कि संसद भवन का घेराव अब किसान नहीं करेंगे, इस बात को उन्होंने मना कर दिया था 26 जनवरी की हिंसा के बाद से। 26 जनवरी की हिंसा की अगर हम बात करें तो वहां पर जो रूट डिसाइडेड हुए थे, किसान ने बोला था कि हम इन्हीं रास्तों पर से अपना मार्च जो है वो निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लाल किले की प्राचीर पर जाकर झंडा भी फहराया गया।
तो क्या अब ये जो घेराव वाली बात कही जा रही है, हम इसको माने कि क्या ये वाकई किसान जो हैं अब वो आगे घेराव नहीं करने वाले, और यदि अगर उनके द्वारा ऐसी चीजें की जाती हैं तो प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? देखिए, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है, और किसान भी जानते हैं कि पिछली बार 26 जनवरी पे जो कुछ हुआ उसके बाद उनके लिए भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, और 26 जनवरी की घटना के बाद ही किसानों ने अपना प्रस्ताव वापस जाने की मुहिम थी। दूसरी जहां तक सुरक्षा व्यवस्था बात है, तमाम बॉर्डर्स जो है, खासतौर पर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो बाकायदा एक बार फिर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, और जो सुरक्षा व्यवस्था पहले थोड़ी ढीली थी, कुछ लोग अंदर आज जा सकते थे सिंघू बॉर्डर की तरफ, कुछ लोग दिल्ली आ सकते थे, उसे भी कंप्लीटली बंद किया गया। सिंघू बॉर्डर से लोग दिल्ली की तरफ मूव नहीं कर सकते, और खासतौर पर यहाँ से अगर बात करें दिल्ली की से सिंघू बॉर्डर की तरफ मूव नहीं कर सकते, और ऐसे में इस बार जो बड़े बड़े कंटेनर लगाए हुए, पिछली बार जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई थी वो किसानों जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए जिस तरह से हटाई, उसके बाद इस बार कंटेनर जी बिल्कुल। तो अब हमें इंतजार करना है शाम 5 बजे का कि क्या कुछ रणनीति किसान आगे की तय करते हैं, और 5 बजे जब उनकी भूख हड़ताल खत्म होगी तो क्या इंटरनेट सेवा फिर से बहाल की जाएगी, ये सब देखना होगा। तमाम जानकारी के फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है उनका प्रदर्शन जारी है, लगातार 66वें दिन भी किसान आंदोलन जो है वो जारी है। 8 घंटे की भूख हड़ताल पर है किसान, शाम 5 बजे तक किसानों का जो उपवास है वो जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy